हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। और मैं बस मेरा मॉर्निंग स्किन केयर कर रही हूँ, तैयार हुई हूँ। मुझे बेसिकली जाना था बाहर, थोड़ा सा काम था, इसलिए मैं अच्छी तरह से तैयार हो गई हूँ। ये जो टॉप मैंने पहना है इसके बारे में मुझे पहले भी कुछ एक सवाल आते रहे हैं। बहुत अच्छा वाला तो ये नहीं है, बट आप में से बहुत लोगों को अच्छा लगता है। मुझे उतना नहीं है ज़्यादा पसंद। मैंने इसको देखा था ना ऑन द मॉडल, बेसिकली मैंने ये मिंत्रा से ख़रीदा था। मॉडल पे अच्छा लग रहा था, बट मुझ पे थोड़ा सा ओवर साइज़ जैसा मुझे फ़ील हो रहा है। लेकिन मैंने ये पहना, मैं इसे वो जयपुर वाला ट्रिप था ना उसमें लेके गई थी, तो फिर मेरे को रिटर्न करने का टाइम नहीं मिला। तो ये बेसिकली मिंत्रा से लिया है। और मैं बाहर जाना चाहती थी, बट बारिश ने मेरे सारे प्लान फ्लॉप कर दिए। तैयार तो हुई मैं, लेकिन बाहर नहीं जा सकी। और पिछले कुछ वीडियोस से ना मुझे कमेंट मिल रहे थे लगातार कि मेरा स्किन अच्छा लग रहा है आपको, आप लोगों को लग रहा है कि मैं कुछ कर रही हूँ अपने स्किन के साथ। तो यू गेस्ड इट राइट, एक्चुअली आई बिन ट्राइंग समथिंग ऑन माय स्किन। और मैं वेट कर रही थी कि थोड़ा मैं इसको वक्त दूँ, एक बार मैं अच्छी तरह से इसको समझ जाऊँ, इसके बाद ही मैं इसके बारे में आपसे बात करूँगी। वी ऑफन एक्सपीरियंस अनइवन स्किन टोन एंड द टैन एंड डलनेस ऑफ स्किन एंड ऑल्सो द सन डैमेज। और बहुत लोगों को स्कार्स भी हो जाते हैं, फिर जो वो स्कार के मार्क्स हैं वो जाते नहीं हैं, और जाते भी हैं तो इट टेक्स टाइम टू गो अवे, टू फेड अवे। तो ऐसे में टू फाइंड आउट अ राइट प्रोडक्ट इज ऑलवेज अ स्ट्रगल। सो इन टुडेज वीडियो आई हैव अ वेरी एक्साइटिंग लॉन्च टू टॉक अबाउट एंड इट इज़ फ्रॉम प्लम गुडनेस। प्लम गुडनेस ऐसे भी पर्सनली मेरा फेवरेट है। वाई? बिकॉज दे मेक क्लियर प्रोडक्ट्स। देयर प्रोडक्ट्स आर फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ नास्टीज, दे आर क्रूल्टी फ्री। अबव ऑल दिस सूट मी। तो मुझे ऐसे भी ये ब्रांड और प्रोडक्ट्स पसंद हैं। आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू मेंशन दैट दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू इन एसोसिएशन विद प्लम गुडनेस। हाउएवर, इस वीडियो में दिखाए गए सारे ही ओपिनियन मेरे अपने हैं, ऑनेस्ट हैं। दे हैव लॉन्च देयर ब्रांड न्यू ग्लो बूस्टिंग 15% विटामिन सी सीरम। इट हैज अमेजिंग ingredients like ethyl ascorbic acid, which is a potent source of vitamin C that easily penetrates into skin. It also has Japanese mandarins that reduces dark spots and enhances performance of vitamin C. It also has kakadu plums that boost collagen production, improves skin elasticity and enhances performance of vitamin C. And together these amazing ingredients will give your skin a beautiful glow. And also this serum is free from artificial colors, artificial fragrances and essential oils. ऑल्सो आप नोटिस कर रहे होंगे ये जो विटामिन सी सीरम है ये इस तरह की डार्क बॉटल में आता है, दिस एम्बर कलर बॉटल। वाई? बिकॉज ये जो डार्क कलर बॉटल है ना ये विटामिन सी सीरम को ऑक्सीडाइज होने से रोकती है। ये जो सीरम है ना ये हर स्किन टाइप को सूट करता है। आप किसी भी एज के हों, आपको आपके स्किन केयर में विटामिन सी को इंक्लूड करना ही चाहिए। किसी भी एज से मेरा मतलब है अगर आप 17-18 के अबव हैं तो यू कैन यूज़ विटामिन सीरम इन योर स्किन केयर रिजीम, बिकॉज विटामिन सी एक पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये आपके फाइन लाइंस पे काम करता है, आपको एक ग्लोई रेडियंट स्किन देता है। ऑल्सो कोई डार्क स्पॉट्स हैं, अनइवन स्किन टोन है उस पर भी ये काम करता है, एंड आपको इवेंचुअली एक ग्लोई इवन लुकिंग स्किन मिलती है। और प्लम गुडनेस का ये 15% विटामिन सी सीरम मैं इस्तेमाल कर रही हूँ कुछ लगभग 2 हफ्तों से। मुझे इसके रिजल्ट्स बहुत सेटिस्फैक्ट्री लग रहे हैं। ये हर स्किन टाइप को सूट करता है एंड अबव ऑल इट्स अ वेरी फास्ट अब्जॉर्बिंग फार्मूला। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू डू योर क्लीन अप। फेस धो लीजिए, इसके बाद आपको सिर्फ इसके कुछ बूंदे लेनी है, आपके स्किन में पैट कीजिए एंड यू आर डन, यू आर रेडी टू ग्लो। एंड एज आई वाज सेइंग यू शुड इंक्लूड विटामिन सी इन योर स्किन केयर रूटीन बिकॉज इट फाइट्स एंड रिपेयर्स सन डैमेज, इट प्रमोट्स कोलाजन प्रोडक्शन विच गिव्स फॉर्म एंड यूथफुल स्किन, इट फेड्स डलनेस एंड एक्ने स्पॉट्स, ऑल्सो इट्स बूस्टर टू योर सनस्क्रीन। यूजुअली विटामिन सी सीरम को आप आपके AM रजीम में शामिल कर सकते हो, आपके मॉर्निंग रूटीन में। मैं खुद इसको मेरे मॉर्निंग रूटीन में शामिल करती हूँ व्हेन यू आर यूजिंग इट इन योर मॉर्निंग रूटीन। तो इसके बाद एक अच्छा सनस्क्रीन लगाना मत भूलिएगा। आप इसे आपके PM रूटीन में भी शामिल कर सकते हो, नाइट टाइम स्किन केयर में। एंड दिस सीरम इज डेफिनेटली एंड हाईली रिकमेंडेड टू एनीवन हु हैज सम सॉर्ट ऑफ हाइपर पिगमेंटेशन या एक्ने स्कारिंग ऑन योर स्किन, यू हैव डार्क स्पॉट्स और व्हाटएवर, यू कैन यूज दिस सीरम। ऑल्सो इन जनरल अगर आप एक रेडियंट ग्लोई स्किन चाहते हो तो भी आप इसको आपके स्किन केयर रेजिम में शामिल कर सकते हैं। आई हैव बीन यूजिंग दिस प्लम गुडनेस 15% विटामिन सी सीरम फॉर अ व्हाइल नाउ एंड ट्रस्ट trust me, this is one of the most potent and trustable products when it comes to reduction in hyperpigmentation, scars and brightening up dull looking skin. Though no harmful chemicals goes into the production of this vitamin C serum, however, I would strongly recommend you a patch test before you start using any new skincare. So what are you waiting for? See off sun damage, dark spots and dull skin, because this quick absorbing vitamin C serum gives you radiant and glowy skin, also makes it smooth and plump in no time. अगर आप इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं तो इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए लिंक रख दिया है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक करना मत भूलिएगा। ऑल्सो आपके लिए रहेगा मेरा एक स्पेशल डिस्काउंट कोड विच इज़ VCNEELAM10, इसका इस्तेमाल करने से मिलेगा आपको इस न्यूली लॉन्च विटामिन C सीरम पर 10% का डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ चेकआउट। लिंक्स और डिस्काउंट कोड मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रख दिए हैं आपकी कन्वीनियंस के लिए। डू चेक देम आउट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस प्रोडक्ट। अरे पांटा तो ऑरेंज नहीं होती है, ये अलग फ्लेवर है, ये स्ट्रॉबेरी है ना। पांटा स्ट्रॉबेरी बिकॉज पांटा तो हमेशा ऑरेंज होता है ना। ये लेकिन इंपोर्टेड है। अच्छा, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ मलेशिया। हम इसे मैक्सन से लाए थे, वहाँ ये सब चीजें मिलती हैं। और अगर आपको ऐसी सॉफ्ट ड्रिंक्स पसंद है ना, और मेरी तरह अगर कलरफुल चीजें पसंद हो तो मैक्सिम मत जाना, फालतू का खर्चा हो जाता है वहाँ पे शौक के चक्कर में। और चाय बनाते बनाते मैं बहुत कुछ प्लान करती हूँ कि शाम में और क्या बनाना है, क्या एक दो काम और मैं अकम्प्लिश कर सकती हूँ। मैंने देखा ये दो केला लटके हुए थे केला स्टैंड पे और ओवर राइप हो रखे थे, कोई इनको खाना नहीं चाहता था। तो एक ही हल होता है कि आप इसका जो है केक कर लीजिए, ब्रेड बना लीजिए, या इसका ना मैंगलोर बंस भी बनता है। हाँ, वो मैं आपको किसी और दिन सिखाऊँगी, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो आज मैं इसका बनाने लगी हूँ बनाना वॉलनट चॉकलेट फ्लेवर वाला केक। तो इसके लिए ओवर राइप बनाना बेस्ट रहते हैं। जो फ्रेश बनानास रहते हैं ना उसमें एक टैंग होता है और वो अच्छी तरह से प्योर ही नहीं बनते हैं, तो इसलिए ओवरराइप बनानास ले लीजिए और इस तरह पटेटो मैशर से मैश कर लीजिए, फोर्क से मैश कर लीजिए या तो मिक्सी में चला लीजिए। बस ध्यान ये देना इसमें मोटे मोटे चंक्स ना रहे। मैंने इनको मैश कर लिया है, दो मीडियम साइज़ के केला थे। इसके बाद मैं यहाँ पे 1/3 कप के हिसाब से 2 बार चीनी डालूंगी, यानी कि टोटल 2/3 कप शुगर मैंने लिया है, ब्राउन शुगर। इसके बाद 1 टीस्पून जैसा डाल दीजिए इसमें वनीला एसेंस, 1/4 कप एनी न्यूट्रल ऑयल जिसका कलर, फ्लेवर और टेस्ट स्ट्रॉन्ग नहीं हो। आप ऑयल की जगह बटर भी ले सकते हो, कुछ लोग घी भी पसंद करते हैं उनके केक में, तो वो चॉइस आपकी है। सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिला दीजिए। मैंने लिया है ब्राउन शुगर, इसकी जगह आप नॉर्मल शुगर ले सकते हो। छलनी लगा दीजिए सेम पैन के ऊपर। 1 कप मैंने डाला है इसके अंदर मैदा और लगभग 2 टेबलस्पून यहाँ मैं कोको पाउडर डाल रही हूँ। इसके बाद ऐड करूँगी मैं इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, पिंच सॉल्ट। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से छान लेंगे। अब जो कोको पाउडर होता है ना, वो जितना ज़्यादा आप ऐड करोगे उतना ही ज़्यादा कड़वा टाइप का आपका टेस्ट बनेगा। कुछ लोगों को ये टेस्ट बहुत अच्छा लगता है बट बच्चों को नहीं पसंद आता, तो आप इसकी क्वांटिटी मैंने 2 टेबलस्पून लिया है, आप 4 टेबलस्पून तक इंक्रीज़ कर सकते हो इफ़ यू लाइक दैट डार्क चॉकलेट वाला बट बिटर वाला टेस्ट। तो मैंने कम ही डाला है। इसके बाद यहाँ 1 टीस्पून मैंने डाल दिया है विनेगर और बस थोड़ा सा दूध मैं ऐड कर रही हूँ। मैं दूध थोड़ा आईबॉलिंग के हिसाब से डालती हूँ। इसके बाद सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। ये बलून विस्क से ही मैंने थोड़ा सा मिक्स कर लिया है इसको और इसके बाद मैं इसे हटा दूंगी क्योंकि इससे ना ज़्यादा मोशन मिलता है आपके केक को, जिससे आपका केक में फॉल फ्लैट वाइल बेकिंग। तो इसको हमेशा कट एंड फोल्ड ही करना चाहिए। मैंने विस्क हटा दिया है, स्पैचुला से कट एंड फोल्ड करके मिक्स किया और इसमें मैं डाल रही हूँ चोको चिप्स। ये ऑप्शनल है बेसिकली, आपको अच्छा लगता है तो आप डालिएगा, आपको लगता है ये नहीं, आपको नट्स अच्छे लगेंगे तो बादाम काजू वगैरह काट कर डाल सकते हो, चाहे तो रेजिन्स भी डाल सकते हैं। तो ये थोड़ा सा पर्सनल प्रेफरेंस वाली बात हो जाती है, आपको क्या अच्छा लगेगा आपके केक के अंदर वो आप यहाँ ऐड कीजिए। लगभग 1 छोटी कटोरी इसके बाद ये जो आपका मिक्सचर हो गया है रेडी, आप कंसिस्टेंसी देख लीजिए, इस तरह का थोड़ा सा थिक ही रहता है ये, एकदम ही फ्री फ्लो सैटिन कंसिस्टेंसी का नहीं बनाना है व्हेन यू आर बेकिंग अ बनाना केक। तो इसको डाल दीजिए किसी भी पैन में जिसमें आप बेक करने वाले हो। मैं यहाँ पे फ्लूट मोल्ड ले रही हूँ, अवन ऑलरेडी प्री हीट करने रख दिया है मैंने 200 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 10 मिनट्स, और ये केक बेक होगा 180 डिग्री सेल्सियस पे अराउंड 25 मिनट्स। 5-10 मिनट्स ऊपर नीचे लग सकते हैं, कीप एन आई, क्योंकि हर वन होता है डिफरेंट। मैंने ऊपर से गार्निश किया है थोड़े वॉलनट्स के साथ। और जब तक केक बेक हो रहा है मैं यहाँ पे डिनर की तैयारी कर लेती हूँ। ये बेसिकली मैंने आलू ले लिए हैं, और 1 मिनट, तो आलू को आप चाहे तो छोटे वाले आलू ले लीजिए, जो बेबी पटेटोज होते हैं ना, वो आलू की करीज के लिए वो बहुत अच्छे रहते हैं। चाहे तो आलू ले लीजिए, छोटा वाला ले लीजिए, और उसको इस तरह मैंने 4 में से मतलब एक आलू का हाफ एंड देन हाफ, तो एक आलू से 4 पीसेस निकले, इस तरह से ऐसे काट लिया है। आप चाहे तो इसको मतलब फर्दर हाफ में कर दीजिए, तो उस तरह के और थोड़े छोटे छोटे पीसेस निकलेंगे। इससे कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ता है, इट जस्ट एड्स टू द लुक, आपको कैसा अच्छा लगेगा देखने में। देन ये हमको बॉईल करना है, तो मैं इसको ऐसे ओपन ही बॉईल करने वाली हूँ, बहुत ज्यादा बॉईल नहीं करना है। यूजुअली क्या कर सकते हो आप, हम लोग बना रहे हैं आलू दही वाले आलू, तो क्या कर सकते हैं आप, आपके पास 3 ऑप्शन है। या तो आलू उबाल के ले लीजिए और फिर उससे करी कर लीजिए, या तो आलू काट लीजिए और फिर उसको यू नो बिल्कुल फ्राई कर लीजिए, और उस तरह से फिर उसको करी में इस्तेमाल कीजिए। मैं इसको थोड़ा सा उबाल लूँगी और उसके बाद थोड़ा सा ही फ्राई कर देंगे, तो दैट वे थोड़ा सा आलू हैवी भी नहीं होंगे और जो टाइम है वो भी बच जाएगा। तो मैंने रख दिया इसको बॉईल के लिए, आलू थोड़े से गल जाएंगे अराउंड 70% जैसे। इतनी देर में इसे बॉईल करूंगी, इसके बाद हम इसको सरसों के तेल में अच्छे से टॉस करेंगे। एंड यस, मैं ये करी बनाने वाली हूँ बिना लहसुन के, बट आप लहसुन खाते हो तो जरूर डालना, अच्छा लगता है इसमें, बट मैं इसमें लहसुन नहीं डाल रही हूँ। इसको बॉईल कर लेंगे थोड़ी देर, जब तक अराउंड 70% डन हो जाए। और मैंने मस्टर्ड ऑयल में उबले हुए आलू को काटकर छलनी में डाल दिया था, फिर वो स्ट्रेन हो गया अच्छी तरह, तो तब इनको मस्टर्ड ऑयल में मैं फुल फ्लेम पे पका रही हूँ। अराउंड 5 मिनट्स में अच्छी तरह चारों तरफ से कोटिंग ले लेंगे। मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, आपको आपकी मर्ज़ी का ऑयल लेना है, जो टेस्ट आपको अच्छा लगता है। लुक एट माई हैंड, आज फिर से मेरा हाथ जल गया, इम्प्रेशंस आ गए हैं, तो थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है काम करना। बहुत ज़्यादा बर्न नहीं है ये, बट ताज़ा ताज़ा बर्न हर चीज़ से जलता है, दर्द देता है। तो ग्रेवी में जाने के लिए मैं ये एक बड़ा सा प्याज काट करके तैयार कर लूँगी। और ये देखिए आलू इस तरह के लाल लाल से हो जाएंगे, तो आप इसे निकाल लीजिए। आलू आपको ध्यान देना है कि फुल फ्लेम पे ही बनाना है इसको। ये आलू ऑलरेडी 70% तो गले हुए हैं, इतना कुक करने में अराउंड 90-95% पक जाएंगे, बाकी ग्रेवी में डन हो जाएगा। मतलब यू कुड बी रेस्ट एश्योर्ड कि आलू कच्चे नहीं रहेंगे, चाहे आप उसे फास्ट फ्लेम पर फुल फ्लेम पर ही क्यों ना फ्राई कर रहे हो। अच्छे से इस तरह कलर आ जाता है ना, क्रिस्पी हो जाता है, इसकी खुशबू ही बता देती है कि ये बहुत अच्छा लगने वाला है। हालाँकि ये स्टेप भी ऑप्शनल है, आप थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस हैं तो फिर मत ही फ्राई कीजिएगा, आप बॉईल करके भी आलू इस्तेमाल कर सकते हो। सेम मस्टर्ड ऑयल में से मैंने 2 चम्मच तेल ले लिया है, बड़ी इलायची, लौंग, तेजपत्ता, जीरा ऐड किया है मैंने तेल में, और फिर ये थोड़ा सा भून जाएंगे तो ऐड करेंगे वो जो प्याज अभी काट कर रखा था। और अभी यही तेल मैंने फ्राइंग में इस्तेमाल किया था, इसमें बहुत ज़्यादा खुशबुएं, फ्लेवर्स, अरोमा इन्फ्यूज़ हो चुका है, इसलिए यही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ करी के लिए। अगर अभी अभी गरम तेल आप इस्तेमाल कर रहे हो तो फ्राई के बाद भी उसे आप इस्तेमाल कर सकते हो, एक बार वो ठंडा हो जाए फिर उसे इस्तेमाल नहीं करना। दही 1.5 कप लिया है, हल्दी, मिर्ची, धनिया का पाउडर ऐड किया है, जीरा पाउडर, कश्मीरी मिर्चें, कसूरी मेथी, मेरा अपना ब्रांड गरम मसाला एकदम थोड़ा सा, और 1 चम्मच भुना बेसन, थोड़ा सा सौंफ का पाउडर, थोड़ा सा सोट का पाउडर, थोड़ी सी चीनी अच्छी तरह से मिला लीजिए। दही वाले आलू बन रहे हैं तो यही दही का मसाला बन रहा है। अगर आप 1 कप दही लेते हैं तो उसके अंदर 1 चम्मच भुना बेसन मिलाइएगा, बाकी सारे मसाले आपके स्वाद के हिसाब से आप डाल सकते हो। इस तरह का एकदम ही बढ़िया होमोजीनियस मिक्सचर बना लीजिए जो लम्प फ्री हो, और कितना अच्छा थिक भी ये दिख रहा है। और फिर मैं यहाँ पर प्याज के अंदर हींग डालना भूल गई थी, मैंने हींग डाला और इसको थोड़ी देर और मिक्स करेंगे, थोड़ी देर भूनेंगे। प्याज को एकदम लाल नहीं करना, कच्चा कच्चा भी नहीं रखना है। थोड़ा ये रंग पकड़ने लगे तो ऐड कर दीजिए इसके अंदर दही। अब दही का टेंडेंसी होता है फट जाने का, तो आप इसको चाहे तो गैस बंद करके पकाइए या स्लो फ्लेम पे पकाइए। दही डालते ही तुरंत इसको चलाना शुरू कीजिए और इसके बाद आप गैस ऑन कर सकते हो। इसके अंदर बेसन है तो फटेगा नहीं, दही के अंदर बेसन या मसाले मिला लेते हैं तो फटता नहीं। इस तरह दही कुक हो जाए कि ऊपर कोरमा दिखने लगे तो मिला दीजिए इसके अंदर आलू। और ये देखने में बहुत अच्छी लग रही है सब्ज़ी, बट आलू बहुत सारा पानी अब्जॉर्ब करते हैं तो आपको इसमें ऊपर से पानी मिलाना ही पड़ेगा। तो थोड़ा सा पानी मिलाइएगा ऊपर से कंसिस्टेंसी ऑफ ग्रेवी को एडजस्ट करने के लिए, और स्वाद के हिसाब से नमक भी मिला दीजिए। और इसे ढक्कन लगा के आपको पकाना है 7 से 8 मिनट लाइक मीडियम फ्लेम पे। अभी ये थोड़ा पानी पानी लग रही है ग्रेवी, पर थोड़ी देर इसको पका लेंगे ना तो बहुत सारी ग्रेवी तो आलू ही अब्जॉर्ब कर जाएंगे। मैं बाद में आपको दिखाऊंगी कैसा निकलता है, ये अच्छी खासी थिक बन जाती है। मीनवाइल मेरा केक कप का बेक हो चुका है, इसको मैंने रेस्टिंग टाइम भी दे दिया है, बस इसको डीमोल्ड करके मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ कैसा बना। और ये जो मेरा पैन है ना, इसे बंट पैन भी कहते हैं, फ्लूट मोल्ड भी कहते हैं, ये मायर का है। और इसके बाद निकाल दीजिए आपका केक। अच्छा खासा रूम टेम्परेचर हो रखा है तो इस टाइम मैं इसके ऊपर थोड़ी सी डेकोरेशन करूँगी। ये घर वाली जो चीनी होती है ग्रैनुलेटेड शुगर, उसे ही मैंने मिक्सी कर लिया है और इस पाउडर को छलनी की हेल्प से इस तरह स्प्रिंकल कर देंगे तो ये बहुत अच्छा स्नोफ्लेक वाला आपको डिज़ाइन मिल जाता है। और केक तो डेकोरेट हो चुका है, एक बार काट कर आपको दिखा देती हूँ कैसा टेक्सचर मिला है। आपने शायद ध्यान दिया मैंने इस बार दही वही नहीं डाला है, विनेगर का इस्तेमाल किया है, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं दही ना डालें तो क्या डालें, तो आप विनेगर इस्तेमाल कर सकते हो। बेसिकली बेकिंग पाउडर अपने आप में ही एक राइजिंग एजेंट है, बट अगर आप बेकिंग सोडा भी डाल रहे हैं तो उसके साथ कुछ सावर आपको डालना पड़ेगा सो दैट इट कुड वर्क। एंड लुक एट द केक, कितना अच्छा राइज़ हुआ है, कितना अच्छा इसका जाली बना है, बहुत सॉफ्ट है। हाँ, आप ट्राई ज़रूर करना, एक बहुत ही अमेजिंग सा टी केक है। स्नैक की तरह भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। और सब्ज़ी भी आपको फाइनली दिखा देती हूँ। ये देखिए सब्ज़ी कितनी गाढ़ी हो गई है, मैं वही बोल रही थी आपको, आप इसमें थोड़ा अपने हिसाब से पानी वानी डालिएगा। इसको थोड़ी देर उबालेंगे ना तो सब्ज़ी है ना एक यूनिफॉर्मिटी ले लेगी और अच्छी खासी गाढ़ी हो जाएगी। बहुत ही बढ़िया ये बनती है। एंड मैंने शायद आपके साथ शेयर भी किया था कि मेरे हस्बैंड को इस तरह राजस्थानी टच वाली सब्ज़ियाँ होती हैं ना, या ऐसी सब्ज़ियाँ जिसमें दही वगैरह जाती है, बहुत ही पसंद आती हैं। और ये आज की थाली दाल चावल मेड बाय मम्मी, ये केक अभी बनाया है, ये प्याज पिंक अनियन का रेसिपी मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ, एंड दही वाले आलू। बहुत ही मज़ेदार अच्छा लगा खाना सभी को। मैं भूल गई थी मैंने चपाती भी बनाई थी, चपाती मैंने थाली में रखी नहीं इसलिए मैंने रीटेक लिया। देखिए चपाती भी है आज की थाली में। जस्ट गॉट फ्री फ्रॉम द किचन, और आज तो मुझे कुछ ज़्यादा ही वक्त लगा, हाथ मेरा जला हुआ था ना। थोड़े बर्तन मम्मी ने साफ़ कर दिए थे, बट देन मुझे डिश वॉशर भी लोड करना था। इट वॉज़ अ ग्रेट हेल्प कि मम्मी ने हेल्प करा दी, बट मैं थोड़ा किचन विचन साफ़ करके आई हूँ। तो एज आई वाज सेइंग थोड़ा सा आज लेट हो गया, और मुझे आपके साथ कुछ बहुत अच्छे वाले कॉमेंट शेयर करने थे। एक्चुअली शर्मा जी वो सारे अच्छे अच्छे कॉमेंट को ना स्क्रीनशॉट करके रखते हैं मेरे लिए, मुझे दिखाते हैं वो, तो फिर मेरा मन आता है कि हाँ मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो इसमें से बहुत ही प्यारा वाला एक तो आज की जो वीडियो गई ना उसमें मुझे किसी ने बोला था कि क्या बोलते हैं, जो आपका करी पत्ता है ना उसका मैं ऐसे पत्ते खींच लेती हूँ ना, एट टाइम्स ऐसा नहीं करो। आप में से वो लोग जो बुशी करी पत्ता चाहते हैं, तो मेरे को ये टिप मिला है तो मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ कि उन्होंने कहा था कि स्टेम ही तोड़िए सीधे, स्टेम एज इन स्टेम पूरा पत्ता ही ऐसे तोड़िए, खाली लीव्स उसमें से मत निकालिए, तो दैट वेज उसके जो चांसेस होते हैं ना वहाँ से बढ़ने के बढ़ जाते हैं और दैट वेज इट बिकम्स बुशी। और एक बहुत ही प्यारा सा कमेंट है फ्रॉम मोनाली मिश्रा। डियर नीलम जी, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर द वेरी फर्स्ट यूट्यूबर हुज कुकिंग स्किल्स बेसिक हाइजीनिक एटिकेट्स इज़ रियली अप्रिशिएबल। थैंक यू सो मच यार। आजकल तो मेरा घर उतना हाइजीनिक हर वक्त ही फैला रहता है, मैं बाहर का साफ़ करके अंदर वाला फैल जाता है, अंदर का रूम साफ़ करूँ बाहर का फैल जाता है। थोड़े दिन में मम्मी पापा को पोजेशन मिल जाएगा, अभी सब लोग वहाँ पे भी लगे हुए हैं, वो सारी चीज़ें अरेंज हो जाए, पोजेशन से मेरा मतलब मूव हो जाएंगे वो। तो अभी तो सफाई अभियान एक्चुअली उधर चल रहा है, सारी चीज़ें अच्छी तरह अरेंज करना। और आई होप यू अंडरस्टैंड, नया घर जब आप सेटअप करते हो तो बहुत काम होता है। तो एक बार मैं वहाँ से फ्री होंगी तो यहाँ पे वापस शुरू करूँगी। मैंने बहुत वक्त से किसी भी रूम का कुछ भी डीप क्लीनिंग नहीं किया है और अभी मुझे फील हो रहा है कि इट्स हाई टाइम, तो तब क्लीनिंग वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। एंड देन शी सेज everything is very neat and clean, and moreover you as a person are very well mannered, sensible and mature. I always watch your vlog and I must say you have a very positive approach in life. Please be like this always. I don't think you need to change yourself for some negative people and their pity mentality. Wishing lots of good health, fortune, happiness, success for your family. All the best, stay safe. Thank you for guiding us positively. थैंक यू सो मच मोनाली, कितनी बड़ी बात है आपने कह दी। जहाँ तक पॉजिटिव माइंडसेट की बात है तो ये मैंने धीरे धीरे डेवलप किया है, ऐसी मैं हमेशा से नहीं हूँ और सच पूछे तो अब भी नहीं हूँ। आई डू गेट अफेक्टेड बाय थिंग्स बाय पीपल, बट देन अभी मैंने आर्ट वो सीख लिया है कि मुझे कितनी चीज़ों से किस हद तक अफेक्ट होना है। हर चीज़ मेरे कान से होकर या आंखों से होकर मेरे सर में जाए, ऐसा मैं अब नहीं होने देती हूँ। और एक और बहुत ही प्यारा सा कॉमेंट आया, ये है फ्रॉम उषा रावत जी। तो उन्होंने बहुत अच्छा सा कॉमेंट लिखा है, नीलम मैं तुम्हारे वीडियो हर रोज़ देखती हूँ लेकिन कॉमेंट कम ही करती हूँ, तुम्हारी नई नई रेसिपी मुझे बहुत देखती हूँ और मन ही मन स्वाद लेती हूँ क्योंकि मैं खा नहीं सकती। मुझे थोड़ा पाचन संबंधी समस्या है, मेरी बेटी दामाद अमेरिका में रहते हैं, जब वहाँ जाऊँगी तब तुम्हारी रेसिपी ज़रूर बनाऊँगी, वो दोनों बहुत शौकीन हैं खाने के, और जब भी जाऊँगी तो तुम्हारे मसाले मंगवा कर ले जाऊँगी और उन्हें दूँगी। तुम दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करो और यही प्रार्थना है ईश्वर से। घर में सभी को यथोचित अभिवादन। थैंक यू सो मच उषा जी, सच ओवरवेलमिंग मैसेज इट इज़। थैंक यू सो मच। आप लोग ऐसे ही आपका आशीर्वाद सच्ची दुआएं बनाए रखिए तो भगवान की कृपा दृष्टि ज़रूर होगी। देन ये कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा, इट्स फ्रॉम इंदू शर्मा जी। शी सेज हुर्रे, 3 cheers to Uttam Rasoi, 3 cheers to Neelam. Just awesome, authentic. When I opened the packet, aroma just raw. My cooking skills got at least some level. Nice initiate. Thank you so much Indu ji. Thank you so much. तो ये तो थे कुछ एक comments जो शर्मा जी मेरे लिए screenshot कर देते हैं। बहुत सारे अच्छे comments आते हैं, बहुत सारा प्यार, positivity और blessings आप लोग extend करते हो। I'm so thankful to all of you. आप आपके busy day में से, busy life में से 15-20 मिनट्स निकालते हैं, मेरा व्लॉग देखते हैं और उसके बाद यू टेक टाइम टू राइट गुड मैसेजेस टू मी, गुड कमेंट्स टू मी, सिर्फ मुझे चीयर अप करने के लिए। इट मीन्स अ लॉट टू मी, सच में। और बस अब मैं लूँगी आप सबसे इजाज़त, मिलूँगी कल आपसे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन ऑल ऑफ़ यू टेक रियली गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।